नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोनी आवास विकास मंडोला में जमीन अधिग्रहण को लेकर 5 साल से धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के प्रति कड़ा विरोध जताते हुए लोनी तहसीलदार को जिंदा समाधि लेने के उपलक्ष्य में सौंपा ज्ञापन। किसानों ने बताया कि उनकी जमीन का आवास विकास के द्वारा अधिग्रहण किया गया था और उनको जमीन की कीमत के अनुसार मुआवजा देने का वादा किया गया था, लेकिन उन वादों के अनुसार किसानों को उनकी जमीन की कीमत नहीं, जिसको लेकर 5 साल से धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के विरोध में कभी अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया तो कभी अर्धनंग होकर ध्वजारोहण किया, लेकिन सरकार के ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए धरने पर बैठे सैकड़ों किसानों ने तहसीलदार लोनी शिव नरेश को जिंदा समाधि लेने के लिए ज्ञापन सौंपा है। नीरज त्यागी, मामला ये है, हमें 5 साल यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हो गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यहाँ भाजपा के नेताओं ने बैठाए, प्रदेश में सरकार बनते ही हमें छोड़ के चले गए। अब जो हमारे धरने का नेतृत्व कर रहे थे बनवीर तेवतिया, उनके लिए भी हमें बहला लिया गया कि भाई आप बनवीर तेवतिया को अगर धरने से हटा देंगे तो हम लोग आपका काम करा देंगे। अब पिछले 2 साल से ये बनवीर तेवतिया भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करा सके इन 2 साल में भी। तो हमें लगा कि भाई हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने बनवीर तेवतिया को गलत हटाया, क्योंकि ये लोग समाधान नहीं है तो इसे उलझाए रखना चाहते हैं। तो अब हमने निर्णय लिया है कि हम बनवीर तेवतिया को ला के बुला के और 14 तारीख को हमने जिंदा समाधि लेने का निर्णय लिया है। हम सैकड़ों लोग जिंदा समाधि गड्ढे खोद के और ज़मीन में दबने का काम करेंगे। प्रशासन सरकार हमें या तो हमारी बातें मान ले, हम कृषि कानून पर भी हम एक मत हो के बिल्कुल अपने इस मुद्दे को छोटा समझ गए और हम आज देश में बड़ा मुद्दा जो है वो कृषि कानून को लेकर है, हम उस बड़े मुद्दे पे भी संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। देश के किसानों के साथ हम खड़े हैं, हमारी उस मुद्दे पे भी हमारी सुनवाई हो, हमारे जो हम जो पक्ष रखना चाहते हैं उस मुद्दे पे भी सुनवाई हो और हमारी इस मुद्दे का भी समाधान हो, तो ही हम कोई अपने कदम वापस हटा सकते हैं। नहीं तो हमने जिन अमित त्यागी है जी मंडोला से, निर्णय जी इन्होंने 2 दिसंबर 2016 में पिछली सरकार में इन्होंने हमें बैठाया था और माननीय राजनाथ सिंह के टाइम से कह रहे कि जब हमारी सरकार होगी तो जो आपके साथ गलत हुआ है उसे हम आपको हक को दिलवाएंगे। अब सब पदों पर यही हैं, मोदी से योगी सांसद जी विधायक जी, तो अब ये अब क्या कर रहे हैं, किसान विरोधी सोच इनकी सीधम सीध चमक रही है मामले के, तो अब बिल्कुल लड़ेंगे इसमें। 14 तारीख का यही है जी, हम तो अब अपनी जान दे सकें, किसान और तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपने युवक गड्ढे खुदवाएगा। अब तो हमें मतलब मरने के कगार पे इस सरकार ने भिजवा दिया है, ना फसलों के हक है ना जमीनों के दाम है, कोई भी कुछ सुन नहीं रहा, लागत भी बढ़ा दी गई, तो किसान तो मरने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।